कॉलर्स लोग ये कहता है कि अगर आप लोगों को किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैपएम का वैल्यू निकालना है, कैपएम नॉट का वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना है, तो चार्जेस की कैपएम नॉट की वैल्यू जोड़ दो, वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में चार्जेस की कैपएम नॉट की वैल्यू जोड़ दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट एल्यूजन आप निकाल सकते हो, सिर्फ चार्जेस की आपको देखो चार्जेस कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को जोड़ के आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, दैट्स वेरी सिंपल। समझ में आ गया? और ये सबसे बच्चों के जैसे सवाल होते हैं, इतने आसान होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं, क्या ही बताऊं मैं आपको। समझ में आ गया? और यहां पर ये क्या है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कह सकते हो आप इसको, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये उसकी वैल्यू है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वैल्यू है। मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा देता हूं, जरा मतलब समझो क्या है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इसको प्रैक्टिकली समझाओ, तो देखो आप यहां पर अगर मान लो कि कैप एम नोट की वैल्यू निकालना चाहते हो CH3COOH के लिए, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो अगर आप इसको तोड़ोगे, सपोज CH3COOH को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CH3COOH- ये एनायन है प्लस H+ प्लस ये कैटायन है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, यहां पर कितना है 1। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या करोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और डेल्टा नोट की वैल्यू किसके लिए लेनी है आपको, CH3COOH निकाली गई है प्लस यहां पर ये 1 है, कैपम नोट की किसके लिए वैल्यू H+ के लिए, एनायन और कैटायन की कैपम की वैल्यू जोड़ दो, आपके पास इसकी इनफाइनाइट एल्यूजन पे कैपम की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बच्चों का जैसे सवाल होता है इसके, समझ में आया, यही मतलब है और कुछ नहीं। सो फाइनली बहुत बहुत बधाई हो, कैलकुलेशन कैपम नोट का जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर दिया हुआ, कैसे निकालना है, सपोज करो कि आपको ये डेटा से निकालना है, एग्जांपल दिया हुआ है आपको, HCl का कैपम नोट का वैल्यू दिया, NaCl का दे रखा और इसका दे रखा है, ठीक है। अब आपसे कहता है कि वो कैलकुलेट करके बताओ, तो दैट्स वेरी सिंपल। आप जरा सोचो कि आपको क्या चाहिए, CH3COOH चाहिए, बताओ CH3COOH कहां है, ये रहा तीसरे वाले डेटा में CH3COOH है, H+ कहां है, पहले वाले डेटा में। तो पहले और तीसरे डेटा में एक्स्ट्रा क्या है, यहां पर Na एक्स्ट्रा है और यहां पर Cl एक्स्ट्रा है, तो जरा देखो मैं क्या करूंगा, दैट्स वेरी सिंपल। मैं क्या करूंगा, पहले मैं अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मैं आप कैप एम नोड का वैल्यू लूंगा HCl के लिए, क्योंकि मेरे को H+ का चाहिए, ये रहा H+। फिर मैं क्या करूंगा, कैप एम नोड का वैल्यू लूंगा CH3COOH के लिए, क्योंकि ये रहा CH3COOH, तो ये आ गया हमारे पास। एक्स्ट्रा क्या है, Cl और Na एक्स्ट्रा है, तो माइनस कर दो, तो यहां पर माइनस ऑफ कैप एम नोड NaCl लिखूंगा, खत्म कहानी। जोड़ दूंगा डेटा को, HCl का डेटा कितना है 425, तो ये 425 लमसम ले रहा हूं, नीचे वाले का डेटा कितना है 91, तो माइनस क्या करोगे 126, खत्म हो गई कहानी। बताओ इससे आसान कुछ मिलेगा क्या, इससे आसान कुछ मिलेगा नहीं, यही आंसर है इसका, यही आंसर है। और सबसे आसान बच्चों को जैसे सवाल इसी में से आते हैं और कहीं से नहीं आते, याद रखना इस बात को। सो फाइनली ये तरीका है इसको निकालने का, 425 में 91 जोड़ के 126 माइनस कर दो, ये आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। कॉलेज लोग कैलकुलेशन में क्या करते हो आप लोग, यहां पर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा कैसे निकालते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप इनफाइनाइट एल्यूजन में कैपम की वैल्यू और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे कैपम की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसके रेशियो को ही अल्फा कहते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इससे आप के की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है, ये सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद आप यहां पर के की वैल्यू भी निकाल सकते हो, डिग्री कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, के की वैल्यू भी यहां पर कैलकुलेट की जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। मैं यहां पर ये सब नहीं दिखाऊंगा, सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करके आओ। के सी की वैल्यू होती है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा और अल्फा की वैल्यू होती है कैपम अपॉन कैपम नॉट। बस ये सिंपल तरीके हैं इसको निकालने के, इज दिस क्लियर।